Welcome to the first edition of the Nahar Jeeto Bookathon, presented in association with the Raisoni Foundation. In this session, we're going to explore the book Main Se Maa Tak by Ankita Jain. The book delves deeply into the physical, mental, psychological, and emotional fluctuations experienced during motherhood. It also addresses the societal and familial pressures placed on a new bride to continue the family's lineage. Becoming a mother significantly alters a woman's personality, thoughts, and values, often overshadowing her previous identities. Ankita's journey from me to mother is a shared experience for many women and couples at this beautiful stage of life. Inspired by her popular columns, Ma in Making, in the Prabhat Khabar and the Lalan Top during her pregnancy, Ankita Jain has also published a collection of stories and edited the monthly magazine Rubaru Dunya for 3 years. She is a prolific writer and has authored 6 books and garnered critical acclaim for her column Ma in Making in the Lalan Top and the Prabhat Khabar's Surbhi magazine. She was an editorial writer at the Rajasthan Patrika newspaper and contributed to Aha Zindagi, I Chalk and Nav Bharat Times. Her book, Ore Kisan, received the prestigious Medhini Award from the Ministry of Environment in India in 2021. In November 2021, she became a recognized youth icon in Chhattisgarh after addressing the Youth Speaks program by UNICEF and the National Service Scheme. In 2023, she was awarded the Iron Lady of the Hills Award by the Dehradun Literature Festival for her contribution to Hindi literature. Without further ado, I'd now like to hand over the session to our speaker. Hello everyone, sabhi ko namaskar. Main Ankita Jain. आज आप सभी के बीच में किताबों के बारे में बात करूंगी। आज यहाँ हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मैं से माँ तक। ये वो किताब है मैं से माँ तक। जीतो ने जो पोस्टर रिलीज किया था उसके परिचय में मेरी एक और किताब का नाम दिया है ओहरे किसान। वो ये किताब है ओहरे किसान। ये दोनों ही किताबें नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक्स हैं और पहली किताब मैं से माँ तक आई थी 2018 में और दूसरी किताब ओहरे किसान आई थी 2020 में। ओहरे किसान को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मेदिनी पुरस्कार भी मिल चुका है और मैं से माँ तक को भी पाठकों का बहुत प्यार मिला। जीतो ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है ऑथर्स को इंट्रोड्यूस कराने का, ऑथर्स को उनकी किताबों के बारे में बात करने का मौका दिया है और उन सभी लोगों से जोड़ा है जो या तो किताब पढ़ते हैं या किताब लिखते हैं या लिखना चाहते हैं। किताबों को लेकर एक समझ बनानी बहुत जरूरी होती है कि सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि एक किताब क्या है। मैं से माँ तक सिर्फ एक किताब नहीं है, मैं से माँ तक वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको शुरू किया गया था 2016 में। मैं इस किताब का एक छोटा सा परिचय दूंगी पहले, उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि ये किताब कैसे लिखी गई, इस किताब में क्या तो आपको किस तरह शुरू करना चाहिए, यदि आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर पहले मैं आपको इस किताब के बारे में बताती हूँ कि मैं से माँ तक क्या है। 2016 सितंबर की बात है, 2016 अगस्त या सितंबर में मैं अपने पहले मिसकैरेज के बाद बहुत डिप्रेसिंग फेज से गुजर रही थी। मैं बहुत परेशान थी। उस टाइम पे लल्लन टॉप ने मुझे एक ऑफर दिया कि आपकी जो अनुभव यात्रा है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी एक किताब आ चुकी थी ऐसी वैसी औरत, मेरी पहली किताब वो आ चुकी थी और मैं एक ऐसी किताब इंटरनेट पर ढूंढ रही थी जिसमें प्रेगनेंसी से संबंधित सिर्फ टेक्निकल इंफॉर्मेशन ना हो, देयर शुड बी सम इमोशनल एस्पेक्ट एज वेल। कुछ ऐसी चीजें हो जो हमें ये बता सकें कि हम उस फेज में इमोशनली कैसा फील करते हैं। तो अगर आप आज के डेट में भी अगर अमेज़न पे ऐसी किताबें खोजने जाएंगे जिनमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीजें हो तो आपको ज्यादातर टेक्निकल इंफॉर्मेशन वाली किताबें मिलेंगी, चाहिए क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन जो आपका इमोशनल एस्पेक्ट है वो कोई भी डिस्कस नहीं करता।
और जब मैंने इस पे और भी उतर कर इसके बारे में रिसर्च करना खोजना शुरू किया तो मुझे पता चला कई सारी चीजें ऐसी थी जिनको देखकर जिनको पढ़कर हम शॉक रह जाएंगे। जैसे कि भारत में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, विशेषकर ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम। लेकिन उस चीज को लेकर कभी कोई क्रांति नहीं होती, कभी कोई आंदोलन नहीं होता, कभी ये बातें नहीं की जाती कि क्यों इतनी मौतें हो जाती हैं। मैं जिस जगह पे फिलहाल रहती हूँ, जशपुर नगर छत्तीसगढ़, ये बहुत छोटा सा इलाका है, बहुत ही छोटा सा। आज के टाइम में सभी सुनने वाले जो ये वैसे मातक का सफर सुन रहे हैं, उन्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि आज भी कई औरतें पैदल कई कई किलोमीटर का सफर डॉक्टर के पास तक पहुंचने के लिए करती हैं, क्योंकि उनके पास अपने गांव से लेकर हॉस्पिटल तक के लिए कोई सवारी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और ऐसे में कई बार उस रास्ते को सफर उस सफर को तय करते हुए बीच में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि वो डिलीवरी पूरी तरह से स्वस्थ ही हो, कई बार अस्वस्थ डिलीवरी होती है, हाइजीन के कारण और भी कई सारे कारणों से वहां उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे कई कारण जब मेरे सामने आए तो मैंने सोचा कि मेरा दुख तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़े बड़े दुख प्रेगनेंसी से रिलेटेड औरतों के हैं। और जब मैंने पहला आर्टिकल ललन टॉप के लिए लिखा, वो माँ इन मेकिंग के नाम से एक सीरीज चली थी, तो जब मैंने वो पहला आर्टिकल लिखा तो मुझे हैरानी इस बात की हुई कि उस आर्टिकल को पढ़ने वाली सिर्फ औरतें नहीं थी, उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए बहुत सारे पुरुषों ने भी भागीदारी दिखाई और मुझे मैसेजेस भेजे कि हम यकीन नहीं कर सकते कि हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारी भाभी, हमारी माँ, हमारी दीदी जो प्रेग्नेंट थी वो इस तकलीफ से भी गुजर चुकी हैं या गुजर रही हैं। तो वो मेरे लिए शॉकिंग था, मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि लोग ऐसा सोच सकते हैं। जब उस पहले आर्टिकल पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हमने उसको एक सीरीज की तरह आगे बढ़ाया और करीब 18 आर्टिकल उस सीरीज में लिखे गए माइंड मेकिंग में। जब वो सीरीज लिखी गई तो उसके बाद फिर एक और प्रिंट अखबार में, एक रेनोवेटेड नॉर्थ ईस्ट का एक वेल नोन अखबार है प्रभात खबर, उसकी मैगजीन सुरभि में वो दो सीरीज में पब्लिश हुई 2 साल तक। और इस पूरे पब्लिकेशन के दौरान मेरे पास कई सारे मेल्स, कई सारे मैसेजेस आते रहे, कई बड़े बड़े प्रोफेसर्स के, डॉक्टर्स के, कि ये एस्पेक्ट हम सोच ही नहीं पाते हैं, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इस दौर से भी लोग गुजर चुके हैं, हम इसके बारे में बात नहीं करते। गुजरते तो सभी हैं, जो भी औरत प्रेग्नेंट होती है वो 9 माह तक अलग अलग तरह के अनुभव करती है। हर प्रेगनेंसी अपने आप में अनमोल है, हर प्रेगनेंसी अपने आप में अलग है, डिफरेंट है, लेकिन उनके बारे में लोग बात नहीं करते, लोग बात करना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि ये तो सबके साथ हो रहा है तो इसमें नया क्या है। कई बार जो सबके साथ होता है वो ऐसा भी होता है कि उसके बारे में लोग बात करना ही छोड़ देते हैं। तो बात करना क्यों जरूरी है, वैसे मातक उसी के बारे में बात करती है। इस किताब के फ्रंट कवर पे लिखा है, एक किताब इस किताब के फ्रंट कवर पे लिखा है, यह किताब अनुभव यात्रा है एक माँ की जो अपने होने वाले बच्चे के हर पल को जीना चाहती थी। बेशक ऐसा ही है कि हर पल को हर माँ जीना चाहती है, उस एक मोमेंट को हर माँ जीना चाहती है, लेकिन हमारे भारतीय परिवेश में कई सारी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम उसे, अरे सबके साथ होता है, तुमने क्यों कौन सा तीर मार लिया जो तुम्हारे साथ कुछ नया हो रहा है, इस तरह की चीजें हमारे साथ होती हैं। तो वो बहुत ही इग्नोरेबल सिचुएशन हो जाती है जहां जहां उन चीजों के बारे में बात नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं से मातक को लिखने की जरूरत पड़ी कि जब मैंने एक ऐसी किताब खोजनी चाहिए जो टेक्निकल के अलावा इमोशनल एस्पेक्ट पे बात करे प्रेगनेंसी की, तो मुझे वो किताब नहीं मिली। और मैं चाहती थी कि एक ऐसी किताब आए स्पेशली हिंदी में। इंग्लिश में कई बुक्स अवेलेबल थी लेकिन बहुत सारे लोग आज भी भारत में इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी माएं ऐसी हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनके पास उनकी भाषा में ऐसा क्या उपलब्ध कराया जाए जो उन्हें उनके इमोशंस को, उनके अंदर चल रही प्रॉब्लम्स को समझ सके और उन पे बात कर सके। तो मैसे मातक का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने अभी आपको दिया, कि
क्यों मैसे मातक लिखी गई और मैसे मातक को मैसे मातक को किताब के रूप में लाने का क्या कारण था। एक और मुद्दा है इस किताब को लिखने का, एक और कारण था इस किताब को लिखने का कि आप लोगों ने अब तो, क्योंकि हम जिस एरा में अभी हम चल रहे हैं इसमें बहुत खुलकर बहुत चीजों के बारे में बात की जाने लगी है, लेकिन पहले आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले तक प्रेग्नेंट फादर को लेकर कोई बात नहीं होती थी। बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो सिर्फ वही माँ नहीं बनती, उसका जो हस्बैंड होता है उसमें भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं इमोशंस के कारण, जिनकी वजह से वो भी बहुत सारी चीजें फील करता है, बहुत सारी चीजें उसके साथ भी अबनॉर्मल होती है, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैसे मातक में सिर्फ माओं के बारे में नहीं, पिताओं के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे कारण थे कि इस किताब को लिखा गया और इस किताब के बारे में बात हुई। ये किताब बेशक नॉन फिक्शन कैटेगरी की किताब है, लेकिन इसमें जो फॉर्मेट है, जो उसके लिखने का तरीका है, उसको मैंने कहानी नुमा बनाया, मतलब जैसे कोई आपसे बात कर रहा हो। क्योंकि नॉन फिक्शन किताबें कई बार लोगों को बहुत बोर लगती हैं और मैं नहीं चाहती थी कि इस किताब को टेक्निकल इंफॉर्मेटिव बुक समझ के अलग कर दिया जाए। मैं चाहती थी कि लोग उसे कनेक्ट करें, लोग समझ सकें कि वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं और लिखने वाला क्या सोचता है, इसके बारे में बात हो और इसको समझा जा सके। अब मैं बात करूंगी इस किताब के बारे में कि इस किताब के अंदर क्या है। इस किताब में कई सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है ताकि हर एक चैप्टर के बारे में बात हो सके। और इस किताब में माँ बनूं या नहीं, आज के टाइम में जहां हम इस एरा में, आज के टाइम में बहुत सारी लड़कियां इस बात को लेकर कंफ्यूज होती हैं कि उनको माँ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे कपल इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए जा रहे हैं, लोग एग फ्रीज कराते हैं। ये बेशक उनका अपना डिसीजन है, बेशक इसमें किसी को कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये डिसीजन किस तरह पैदा होता है, इस डिसीजन को लेते समय कपल के मन में क्या उलझन रहती है, क्या परेशानी रहती है और उन्हें उन्हें क्या किस तरह एक सोल्यूशन पर पहुंचना चाहिए, ये सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। एक बात जो मैं यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि इस किताब में सब कुछ सिर्फ मेरा अपना नहीं है, सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं है। इसमें करीब 100 से 150 महिलाओं के मैंने इंटरव्यूज किए, उनकी कहानी जानी, वो उस टाइम पे कैसा फील कर रही थी, उन्होंने वो डिसीजन कैसे लिया, कोई भी डिसीजन अगर उन्होंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड लिया, नॉर्मल डिलीवरी का लिया या उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी का लिया या माँ बनने का लिया या माँ नहीं बनने का लिया, इस तरह के कई सारे डिसीजंस महिलाओं को लेने पड़ते हैं, तो उन्होंने किस तरह लिए, वो सभी को मिला के इस किताब को तैयार किया गया है। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं जिसमें सिंगल पर्सपेक्टिव हो कि मैं अपना कोई भी पर्सपेक्टिव थोप रही हूँ रीडर के ऊपर, ऐसी मैंने कोशिश नहीं की है। तो इसका जो पहला चैप्टर है, माँ बनूं या नहीं, ये बहुत ही सुलझा हुआ चैप्टर आपको मिलेगा, जिसमें एक लड़की के अंदर का जो पूरी गुत्थम गुत्था चलता है कि जब वो शादी हो जाती है, और हमारे सोसाइटी में तो ऐसे बोलते हैं कि 9 महीने शादी के बाद 9 महीने बाद माँ बन जाए औरत तो उसको गंगा नहाना बोलते हैं, तो उनके ऊपर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को वो लोग कैसे कम करें या अपना डिसीजन फर्मली कैसे लें, इस बारे में इस चैप्टर में पूरी बात की गई है कि उनकी जद्दोजहद वो कैसे सुलझाएं और किस तरह से ये डिसीजन लें कि उन्हें माँ बनना है या नहीं। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप किसी की जिद में आकर, किसी के प्रेशर में आकर, किसी की दबाव में आकर, किसी भी तरह के दबाव में आकर माँ बनने का निर्णय ले रही हैं, तो माँ तो आप बन जाएंगी, लेकिन उसके बाद बच्चे को पालने का जो समय होता है वो बहुत कठिन होता है। और अगर आप बार बार ये फील करेंगी कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैं प्रेग्नेंट हुई, क्यों मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, तो उससे आपके और आपके बच्चे के बीच में बहुत नेगेटिव बॉन्डिंग बनने लगती है।
अनचाहे अनकहे। हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालती है, लेकिन ये समझना भी जरूरी होता है कि बच्चे को पालने का जो समय होता है उस टाइम पे अगर हम बहुत नेगेटिव हैं तो इसका असर हमारे बच्चे पर पड़ता है। हम बहुत चिड़चिड़े हैं तो इसका असर भी हमारे बच्चे पर पड़ता है, हम माने या ना माने, लेकिन वो जो कहावत है कि माँ जैसा दूध बच्चे को पिलाती है बच्चा वैसा ही बनता है, बिल्कुल सच है ये कि आप दूध पिलाते समय, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय जिस तरह के इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं बच्चे पर दिखता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इस पर बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे केस स्टडीज, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। कई सारे रेफरेंसेस मैंने इस किताब में भी दिए हैं क्योंकि नॉन फिक्शन है तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स के, बहुत सारी स्टडीज के, रिसर्च के मुझे रेफरेंसेस देने थे, तो वो मैंने इस किताब में दिए हैं और आपको मिलेगा इस किताब में कि किस तरह एक माँ के इमोशनल एस्पेक्ट जो है, उसकी इमोशनल वैल्यूज जो है, वो उसके बच्चे में झलकने लगती है। तो माँ बनू या नहीं, ये अध्याय इसलिए लिखना जरूरी था कि इस किताब की यात्रा शुरू करने से पहले हम ये समझ लें कि हमें माँ बनना भी है या नहीं बनना। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है इसमें वो है मिसकैरेज का। हिंदुस्तान में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि चार चार, मतलब हर साल एक मिसकैरेज होने के बाद भी उन पर ये प्रेशर बनाया जाता है कि वो एक बच्चे को जन्म दे। एक औरत एक मिसकैरेज को झेलने के बाद उसका शरीर इतना कमजोर हो जाता है, आप सोचिए कि एक एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक और ह्यूमन बॉडी बन रही है, तो उस ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए कितनी एनर्जी माँ अपने अंदर से खींच कर उस दूसरी ह्यूमन बॉडी में डाल रही है, और जब वो ह्यूमन बॉडी निकल गई बॉडी से, कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर, तो वो कितना कमजोर हो जाती होगी, कितना अंदर से कितना टूटा हुआ वो फील करती होगी। लेकिन उसके बाद भी ये प्रेशर उस पर बनाया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गया एक मिसकैरेज कोई बात नहीं, दूसरा भी हो गया तो भी कोई बात नहीं। तीन तीन चार चार मिसकैरेज के बाद भी औरतों पर ये प्रेशर बनाया जाता है कि उन्हें एक बच्चा तो करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान में ये मान लिया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया, आई फील कि ये प्रॉब्लम शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये माना जाता है कि अगर एक औरत बच्चे को जन्म नहीं दे रही है तो उसमें कोई कमी है, उसको नॉर्मल से अलग मान लिया जाता है, उसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है कि अरे इसका बच्चा नहीं हो पाया, उसको या तो बहुत ही दया के भाव से देखा जाता है या बहुत ही घृणा के भाव से देखा जाता है, अलग अलग सोसाइटी उसे अलग अलग तरीके से देखती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो माँ नहीं भी बन पाई तो कोई बात नहीं, उसको हमारे लिए कोई बात नहीं कहना इतना कठिन क्यों होता है? क्यों हम कोई बात नहीं को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम बड़ी बड़ी समस्याओं को जिस एक कोई बात नहीं कहकर सुलझा सकते हैं उसे हम बहुत बड़ा विकराल रूप दे देते हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है गर्भपात, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक ऐसा चैप्टर है जो उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जिनको लगता है कि एक मिसकैरेज या एक अबॉर्शन के बाद उनकी लाइफ खत्म हो गई, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तो उस एक इमोशन से निकलने के लिए, उस एक दौर से निकलने के लिए ये चैप्टर लिखा गया था, और ऐसी बहुत सारी लड़कियों की इसमें कहानी है जिन्होंने उस फेज से गुजर कर अपने आप को मजबूत किया और आगे बढ़ाया। इसी तरह इसमें बहुत सारे चैप्टर लिखे गए हैं जो स्टार्टिंग में जो ये बताते हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो हमारी सोसाइटी उसे किस तरह देखती है, उसके सिम्टम्स को किस तरह देखती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बॉलीवुड ने, स्पेशली टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड ने इंसान के दिमाग में ये भर दिया है कि अगर किसी लड़की को उल्टी हो रही है इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। तो उल्टी का मतलब हमेशा प्रेगनेंसी ही नहीं होता, ये समझना पड़ेगा। और अगर उल्टी हो रही है तो वो उस प्रेगनेंसी के दौर में होने वाली उल्टियां कितनी ज्यादा तकलीफ दे एक औरत के लिए होती हैं, ये भी समझना पड़ेगा। मूड स्विंग, और जब पहली बार ये पता चलता है कि एक जब जब आप उस
और उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि आपकी स्कैनिंग में आपको अपने बच्चे का दिल धड़कता हुआ दिखता है, तो आप कैसा फील करते हैं? ये तो कुदरत का चमत्कार है कि एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी बड़ी होती है, और सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, शायद धरती पे उपस्थित हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। लेकिन ये बहुत ही चमत्कारिक चीज है कि हम उसे देख पाते हैं, क्योंकि हमने वो टेक्नोलॉजी खोज ली है कि हम अपने अंदर पल रहे बच्चे को पूरी तरह देख लेते हैं। तो उस फेज में कैसा फील होता है, ये सारी चीजें। एक चैप्टर प्रेग्नेंट पिता, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि प्रेग्नेंट पिता इसमें एक ऐसा चैप्टर है जो ये बताता है कि जो पुरुष है उसको किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है, फैमिली से स्पेशली, क्योंकि जो जो वाइफ है वो तो ऑलरेडी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां उसको सपोर्ट चाहिए, लेकिन हस्बैंड जो है उसको भी बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इस चैप्टर में वो सारी चीजें समझाई गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे टोने टोटके हमारी सोसाइटी में चलते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। मेरे तरफ एक 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 टोना था कि बाल्टी भरी हुई रखी है और बाल्टी को अगर हम उठाएं तो उसके नीचे पानी का ऐसा सर्कल सा बन जाता है, अगर आपने उसमें पैर रख दिया तो बुरा हो जाएगा, प्रेग्नेंट लेडी को उसमें पैर नहीं रखना चाहिए, वगैरह वगैरह से बहुत सारे टोने टोटके होते हैं, तो अंधविश्वास होते हैं। तो उनके बारे में इसमें बात की है कि उनके पीछे का कारण क्या होता है, उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, मैंने उन्हें माना या नहीं माना, या मेरे जैसी और महिलाओं ने उन्हें माना या नहीं माना, इन सबके बारे में इसमें बात की गई है। इसके बाद बहुत सारे इमोशंस के बारे में बात की गई है, जैसे बैठे बैठे रोना आना, बैठे बैठे चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग के सारे आस्पेक्ट्स इस किताब में मैंने लिखे हैं। इसके अलावा मेमोरी लॉस, ये एक ऐसा बहुत बड़ा पॉइंट है प्रेगनेंसी के दौरान जिसको सीरियस से इग्नोर कर दिया जाता है, और इसको लेकर घरों में बहुत कलह होती है, इसको कोई भी समझना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारी महिलाएं आपको मिलेंगी जिनकी प्रेगनेंसी और उसके बाद डिलीवरी के बाद के 2 साल, मतलब वो 3 साल आपने देखा होगा कि धीरे धीरे कैसे उनकी मेमोरी लॉस हुई, कैसे कैसे उनके साथ ऐसा हुआ कि वो बहुत सारी चीजें भूलने लगी। तो ये एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली करेक्ट है, मतलब अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि हाँ ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन हम उसे मानते नहीं है, हम सोचते हैं कि अरे सामने वाला तो बहाना बना रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, याददाश्त कैसे खो सकती है। तो उसके भी अपने बहुत सारे कारण होते हैं, हमें उसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए हमारे आसपास के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हम उसमें उनका क्या सहयोग कर सकते हैं, हम कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें पूरी तरह से लिखा गया है। एक और पॉइंट था जिसके बारे में इसमें बहुत डिटेल में बात की है कि एक सोच ऐसी मान ली जाती है कि 30 से पहले एक बच्चा कर लेना चाहिए, तो एज फैक्टर जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के लिए और क्यों होता है, डॉक्टर्स का उसमें क्या कहना है, हमारी बॉडी उसमें कैसा रिएक्ट करती है, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। और भी कई सारे टेक्निकल इंफॉर्मेशन इस किताब में मैंने दिए हैं जो बहुत जरूरी थे, जिनको बहुत इमोशनल आस्पेक्ट के साथ जिनको बहुत जरूरी लिखना था। लास्ट में एक चैप्टर है, मैं कैसी माँ बनूंगी, ये चैप्टर बहुत जरूरी था मेरे लिए लिखना, क्योंकि कोई भी इंसान स्पेशली जब वो माँ बाप बन रहे होते हैं तो उनके मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही होती है कि हमने डिसीजन तो ले लिया कि हमें पेरेंट बनना है, लेकिन पेरेंट बनने के बाद हम कैसे पेरेंट बनेंगे, जो जो ऐसी चीजें हैं जो करनी करनी है, बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाना है, उसको नर्सरी में डालना है, उसको डे केयर में डालना है, उसके लिए प्रॉप्स खरीदने हैं, उसके लिए कपड़े खरीदने हैं, उसके लिए खिलौने खरीदने हैं, ये सब तो ऐसी चीजें हैं जो करनी ही होती है, हर पेरेंट करता है अपने लिमिट के हिसाब से, हर पेरेंट करता है। लेकिन अगर सामाजिक भाषा में कहूं तो संस्कार हम कैसे दे पाएंगे अपने बच्चों को, क्या हम उन्हें एक अच्छा मनुष्य बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे, हम उन्हें एक अच्छा इंसान कैसे बनाएंगे। हम खुद एक पॉइंट ऐसा आता है इंसान के जिंदगी में जब वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हम खुद कैसे हैं,
क्या हम उतने काबिल हैं कि हम किसी दूसरे ह्यूमन को जिसको हम पैदा कर रहे हैं उसे एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। तो ये सारी बातें इस लास्ट चैप्टर में मैंने लिखी हैं, और ये उस माँ की जद्दोजहद है जो सोचती है कि वो एक कैसा इंसान इस समाज को देगी। बहुत कुछ दिन पहले एक शॉर्ट फिल्म मैंने देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि बच्चों को पालना एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जॉब है जो औरतें करती हैं, लेकिन उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। सोसाइटी क्या फैमिली उनका उनकी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करती। अगर आप बच्चे को पालने के लिए एक आया रखेंगे तो आप उसे पैसे देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके बच्चे को उतने अच्छे से रखे जितने अच्छे से माँ रखती है। लेकिन अगर माँ पूरे दिन लगकर ये काम कर रही है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। ये उस शॉर्ट फिल्म में समझाया था। तो इसी तरह की कुछ बातें इसमें मैंने लिखी हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि बच्चे को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती। सिर्फ माँ ही क्यों सारी कुर्बानियां दे, सिर्फ माँ ही क्यों करे, बराबरी से पिता क्यों ना करे। पिता जिस तरह माँ घर संभालती है उस तरह पिता पैसे कमाता है, लेकिन आज के टाइम में जिस जिस एरा में हम जी रहे हैं वहां माँ और बाप दोनों पैसे कमाते हैं। तो बच्चे को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की क्यों हो, डायपर चेंज करने का काम सिर्फ माँ का क्यों हो, बच्चे को पढ़ाने का काम सिर्फ माँ का क्यों हो, उसके लिए खाना बनाने का काम सिर्फ माँ का क्यों हो, पिता का क्यों ना हो। मेरा एक फ्रेंड था, बहुत पहले की बात है, करीब 5-6 साल हो गए। वो डॉक्टर है पेशे से, और उसकी जो वाइफ, उसकी शादी हुई, उसकी जो वाइफ थी वो भी डॉक्टर थी पेशे से। तो जब उनका बच्चा हुआ तो उन्होंने अपने प्रोफेशन से ये रिक्वेस्ट की कि हमें 3-3 दिन की वर्क फ्रॉम होम या इमरजेंसी छोड़ के ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि 3 दिन कंप्लीटली फादर बच्चे की केयर करे और 3 दिन कंप्लीटली माँ बच्चे की केयर करे। तो मुझे ये इतना खूबसूरत रिक्वेस्ट लगा कि कितना अच्छा है ये कि बच्चे को माँ और बाप दोनों से पूरी पूरी तरह अटेंशन मिल रहा है। बच्चे को पालने की, तुमने उसको क्या सिखा दिया, जैसे ताने मारने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं है, बच्चे को पालने की जिम्मेदारी फादर की भी उतनी होती है, और ये हमारी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस तरह से इस किताब में कई सारे अध्याय हैं, कई सारे चैप्टर्स हैं जो लिखे गए हैं, और जो भी इसे पढ़ेगा मुझे लगता है कि वो अपने अंदर की उस पेरेंट से मिल पाएगा। यदि आप पेरेंट नहीं भी हैं तो भी आप ये किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके आस कभी ना कभी आप पेरेंट बनेंगे, या आपके आसपास कोई ऐसा पेरेंट होगा जो किसी न किसी मुसीबत से, किसी न किसी जद्दोजहद से गुजर रहा होगा, और आप उसे हेल्प कर सकते हैं, आप उसे समझा सकते हैं। तो आप माँ हैं, आप पिता हैं या नहीं हैं, आप पिता बनेंगे या नहीं बनेंगे, कोई भी इंसान इस किताब को पढ़ सकता है, उसे पढ़ना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसी किताबें हमें ये बताती हैं कि हम हमारी इमोशनल जर्नी को, इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस को काफी हद तक कम करने में हेल्पफुल होती है। अब इसके बाद मैं बात करूंगी कि अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो इस सेशन को सुनेंगे उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो किताब लिखना चाहते होंगे या किताब लिखने की इच्छा उनकी होगी। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिसको समझ के, जिसके पेज पे आप किताब लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किताब क्यों लिखना चाहते हैं। यदि आप किताब इसलिए लिखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप रातों रात चेतन भगत की तरह या अमीश त्रिपाठी की तरह या जेके रोलिंग की तरह किसी के भी तरह आप पॉपुलर बन जाएं, तो आपको सबसे पहले उन्हीं की, जिन जो जो आपके इंस्पिरेशन है, जो ऑथर्स आपके इंस्पिरेशन है, उन्हीं की जर्नी को पढ़ना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि कोई भी बड़ा ऑथर एक दिन में बड़ा नहीं बना, वो एक पूरी जर्नी को तय करके वहां तक पहुंचा है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से अपना क्यों पूछिए कि आप किताब क्यों लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका जो किताब का सब्जेक्ट है, जो टॉपिक आपने चूज किया है किताब के लिए, उस पे मार्केट में कितना मटेरियल अवेलेबल है, इन द सेंस हाउ मेनी बुक्स ऑलरेडी हैव रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक,
how many articles, how many researches, how many case studies you can find on that particular topic. अगर वहां इतना सारा मटेरियल है तो सबसे पहले उसे पढ़िए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें से ऐसा क्या है जो नहीं लिखा गया, वही आपकी यूएसपी होगी. अगर लव स्टोरीज की बात करें तो ऐसी लव स्टोरी एक ऐसा वास्ट टॉपिक है जिसपे कोई भी कहानी हमेशा नई लग सकती है. कई सारी कहानियां रिपीटेड भी होती है लेकिन नॉर्मली हर कहानी नई लग सकती है. लेकिन जो नॉन फिक्शन कैटेगरी होती है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, ऑलरेडी मार्केट में प्रोवाइड की कराई जा चुकी है. तो आपकी किताब कोई क्यों पढ़ेगा, सबसे पहले इसके बारे में सोचिए. अगर आप नॉन फिक्शन लिख रहे हैं तो, अगर आप फिक्शन लिख रहे हैं तो बेशक आपकी सब कुछ आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है. मेरी चार किताबें फिक्शन कैटेगरी में आई हैं जिसमें से एक उपन्यास है, एक बाल उपन्यास है, बच्चों के लिए लिखा गया छोटा सा उपन्यास है, और दो कहानी संग्रह है. तो वो फिक्शन था. फिक्शन में ऐसा होता है कि आपके पास कोई कैरेक्टर होता है और आपका इमेजिनेशन ये डिसाइड करता है कि आपको सोसाइटी को पढ़ने के लिए क्या देना है. वो सब कुछ आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है और वो हर इंसान का अपना यूनिक होता है. तो नॉन फिक्शन में आप बिना ये सोचे, फिक्शन में भी हालांकि मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप पहले ये रिसर्च कीजिए कि उस टॉपिक पे कितना लिखा गया. फिक्शन में भी कोई कहानी, किसी तरह का आप मर्डर सीक्वेंस लिख रहे हैं या किसी तरह की लव स्टोरी आप लिख रहे हैं या सोसाइटी बेस्ड कोई सोशल इशू पे आप कोई फिक्शन स्टोरी लिख रहे हैं, तो आप पहले ये सर्च कीजिए कि उस पर कितना लिखा गया है. क्या कोई फिल्म उस पर आई है, क्या कोई सीरीज उस पर बनी है, क्या कोई डॉक्यूमेंट्री उस पर बनी है. तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. नॉन फिक्शन में भी ऐसा ही है. तो एक ये पॉइंट हो गया कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको लिखना क्या है, फिक्शन लिखना है या नॉन फिक्शन लिखना है, आपको क्यों लिखना है. जब आपको क्यों लिखना है तो आप ये सर्च करेंगे कि आपके टॉपिक क्या है, आप किस क्या चीज पढ़ने के लिए देने वाले हैं. इसके बाद आपको ये सर्च करना है कि उस पर कितना मटेरियल हो चुका है, आपकी यूएसपी क्या रहेगी किताब को बेचने के लिए, आपकी किताब कोई रीडर क्यों पढ़ेगा. सबसे पहले यही सोचेगा कि अगर आप एक लिखने से पहले एक पाठक बन के सोचेगा, एक रीडर बन के सोचेगा कि अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो आपकी किताब जो मार्केट में फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल हो गई है तो आप उस किताब को क्यों पढ़ेंगे. क्या वो किताब पढ़ते हुए आप बोर होंगे, क्या वो टॉपिक पढ़ते हुए आप बोर होंगे या नहीं होंगे, उसमें क्या एक्साइटिंग चीजें होंगी जो आप डाल सकते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जब आप खुद से क्यों करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली हिंदी में लोग ऐसा करते नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में भी ये कल्चर आना चाहिए एडिटिंग का. नॉर्मली ये सारे काम पब्लिशर्स करते हैं हिंदी में, बट मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपने किताब लिख ली है तो आप अपने आसपास कोई अच्छा एडिटर खोजिए और उससे अपनी किताब को एक बार एडिट करवाइए. इंग्लिश में ये बहुत अच्छा कल्चर है, वहां एडिटर्स होते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे उतना बड़े लेवल पर ये कल्चर डेवलप नहीं हुआ है. तो किताब को एडिट कराना बहुत जरूरी होता है. किताब को लिखते समय बार बार उसकी उसकी रीवैल्यूएशन कीजिए कि आपने जो किताब लिखी है उसमें से काट छांट करने पे कभी भी बुरा मत फील कीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमने जो लिखा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि रीडर को वो बहुत अच्छा ना लगे. तो अगर आपको लग रहा है कि ये हिस्सा बहुत बोर कर देगा तो उसे तुरंत हटा दीजिए. उसको हटाते समय आप ये मत फील कीजिए कि अरे मैंने इतनी मेहनत से इसको लिखा था और ये चला गया, ये तो बहुत सुंदर था. हो सकता है जो चीज आपको सुंदर लग रही हो वो किसी और को सुंदर ना लगे. सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जब आप किताब लिखते हैं तो ये सारे पॉइंट्स कवर करना आपको बहुत जरूरी होता है, ये सारे पॉइंट्स. और सबसे लास्ट में आता है पब्लिशर. तो मेरे ख्याल में हिंदी में अभी ऐसे बहुत सारे अच्छे पब्लिशर्स हैं सॉरी जो अच्छी किताबें छापना चाहते हैं, अच्छी किताबें छापने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं. और यूथ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पैसे देकर किसी पब्लिशर से किताब मत छपवाइए, क्योंकि अगर आप पैसे देकर छपवा रहे हैं तो सबसे पहला तो पॉइंट यही कह देता है कि उस पब्लिशर को ही आपकी किताब में भरोसा नहीं है जो आपसे पैसे मांग रहा है. अगर उसे भरोसा होता तो वो आपसे पैसे नहीं मांगता, वो खुद उस किताब को छापता. तो पैसे देकर किताब मत छपाइए, उससे बेहतर है कि उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कीजिए और आप
पैसे कमा सकते हैं हिंदी में स्पेशली। तो अच्छी किताब लिखिए, बहुत अच्छी किताब लिखिए, अच्छे से उसको एडिट करवाइए और उस पब्लिशर से अपनी किताब पब्लिश करवाइए जो आपसे पैसे नहीं मांग रहा है। तो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं किताब लिखने वालों के लिए। और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि किताब कोई भी हो, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो नॉन फिक्शन कैटेगरी की किताब हो, चाहे वो छोटी छोटी बुकलेट्स हो, कॉमिक्स हो। अभी मैंने बच्चों के लिए किताबें लिखना शुरू किया है, तो उसमें पहली मेरी जो किताब है वो आप लोगों को याद होगा कि हम जब मेरी उम्र के कई सारे लोग जिन्होंने बचपन में डोगा, चाचा चौधरी, ध्रुव, इस तरह की कई सारी किताबें पढ़ी होंगी, नंदन चंपक पढ़े होंगे हिंदी में, बाल भास्कर पढ़ी होंगी, तो कई सारी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां आती थी, जासूसी कहानियां आती थी, वो कहानियां कहीं ना कहीं मिस हो गई थी। मेरा बेटा है 7 साल का, और एक दिन उसने मुझसे पूछा कि मम्मा आप जो बुक्स लिखते हो वो मैं पढ़ सकता हूँ क्या? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और वहां से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए भी कोई किताबें लिखूं जो जिन्हें पढ़ के उनकी भाषा तो सुधरे ही, वो हिंदी पढ़ना भी सीखे और साथ में उनमें भी वो उत्सुकता आए, उनका भी कोई अपना खुद का कोई हीरो हो जो उनके साथ साथ बड़ा हो, उनके साथ साथ डेवलप हो। तो इसी तरह मेरी पहली किताब आई है, और आगे देखते हैं कि बच्चों के लिए और क्या नया आता है। और भी किताबें लिखने के प्लान है, लेकिन वो कब पूरे होंगे मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अगर आप कोई किताब शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले बैठकर एक नोटपैड लेकर उस सवाल का जवाब लिखें कि आपको एक किताब क्यों लिखनी है। सिर्फ एक सवाल का जवाब आपको इस एंड तक पहुंचा देगा कि आपको किताब वाकई लिखनी है या नहीं लिखनी है। किसी की भी पॉपुलैरिटी से इंस्पायर्ड मत होइए, उसकी जर्नी से इंस्पायर होइए। किसी की भी पॉपुलैरिटी देखकर हम बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं कि वाह हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी ये पॉपुलैरिटी मिल जाए, हमें भी ये फैन बेस मिल जाए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस पर्टिकुलर इंसान ने कितने सालों तक फाइट की होगी, कितने सालों तक एक ही कदम पर लड़ाई लड़ी होगी, तब जाके वो वहां तक पहुंचा। तो अगर आप किसी भी ऑथर से इंस्पायर हैं, किसी भी ऑथर के लिखने के तरीके से इंस्पायर हैं, तो उसे पढ़िए बेशक, लेकिन उसे कॉपी मत कीजिए। उसे कॉपी करने की कोशिश करने में आप अपने अंदर का लेखक खो देंगे, और दूसरा उसकी जर्नी को पढ़िए, उसकी जर्नी को समझिए। तो फिलहाल मेरा कहना बस इतना ही है मैसे मातक के बारे में, और लेखकों के लिए मेरे यही सजेशंस हैं। फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी कोई बात होगी, तो जरूर हम आगे बात करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।